अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स। यहाँ आपको जीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जो कि डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस जैसी फील्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्क्वेयर मैट्रिक्स क्या होता है। इसकी डेफिनेशन से पहले इसकी एग्जाम्पल से थोड़ी वजाहत करना चाहूँगा कि ज्योमेट्री जो होती है उसमें स्क्वेयर जो होता है उसकी लेंथ और विड्थ सेम होती है। लेंथ और विड्थ दोनों सेम होती हैं, इसीलिए उसको स्क्वेयर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरा है एक स्क्वेयर। अगर मैं इसको कहूं कि इसकी लेंथ जो है वो भी 5 सेंटीमीटर है, इसकी विड्थ भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी लेंथ अगर मैं कह दूं इसको 5 सेंटीमीटर और ये भी विड्थ जो है 5 सेंटीमीटर है, तो लेंथ और विड्थ अगर सारी सेम होंगी, चारों साइड्स की जो है मेजरमेंट सेम होगी, तो उसको हम स्क्वेयर बोलते हैं। तो स्क्वेयर मैट्रिक्स भी कुछ इसी तरीके से है। मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वेयर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जो है वो स्क्वेयर मैट्रिक्स कहलाया जाएगा इफ द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। कि अगर उस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो उस मैट्रिक्स को स्क्वेयर मैट्रिक्स कहेंगे। कि मतलब उसमें रोज और कॉलम्स जो हैं वो बराबर होने चाहिए। यहां पे मैंने एग्जांपल दी है कि एक मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर जो है 2x2 का है, मतलब दो उसमें रोज हैं, दो उसमें कॉलम्स हैं, तो वो वाला मैट्रिक्स जो होगा वो हमारा स्क्वेयर मैट्रिक्स कहलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मैट्रिक्स बी है 3 4 5 7, इसका ऑर्डर जो है अगर देखें तो वो है 2x2 का, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, इसलिए इसको हम स्क्वेयर मैट्रिक्स बोल देते हैं। मैट्रिक्स है सी, इसकी एंट्रीज है 1 3 5 7 9 11 13 17 and 19, ये कुछ रैंडम मैंने एंट्रीज लिखी है। अब इसका अगर मैं साइज देखूं या ऑर्डर देखूं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी जो है 3x3 है, तो इसमें साइज में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, इसका मतलब ये भी स्क्वेयर मैट्रिक्स है। लेट्स सपोज, अब हम देखते हैं कि एक मैट्रिक्स मेरे पास ई है, इसमें 1 3 5 7 9 11, ये एक मैट्रिक्स है जिसका अगर मैं ऑर्डर देखूं तो ऑर्डर है मेरे पास 2x3। अब इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये स्क्वेयर मैट्रिक्स नहीं है। जी, तो मेरी कॉम के नौजवानों, इस लेक्चर में हमने देखा कि स्क्वेयर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर में दोनों सेम होंगी, तो वो वाला मैट्रिक्स हमारा स्क्वेयर मैट्रिक्स कहलाएगा। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर्स सुनने के लिए यूट्यूब पर और गूगल पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह ने के बाद।